नाज़रीन आदाब, बाजगश.com की जानिब से स्नीफ हैदर में आपका खैर मकदम करता हूँ। और इस वक्त आज हमारे मेहमान जो हैं वो अली अकबर नातिर साहब हैं, पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं। आप बहैसियत शायर और बहैसियत अफसाना निगार एक मुमताज शख्सियत हैं। आपके दो शेरी मजमूए बेयकीन बस्तियों में और याकूत का वरक शाये हो चुके हैं, और इसके साथ आपका एक मजमूआ अफसानवी मजमूआ कायमद्दीन के नाम से ऑक्सफर्ड प्रेस से शाया हुआ है, और अभी उसका तर्जुमा अंग्रेजी में व्हाट विल यू डू फॉर दिस ब्यूटी के नाम से अली मदी हाशमी साहब ने किया, जो कि पेंगुइन से शाया हुआ है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज इनसे बात करने के ये चंद लम्हात हमें मैसर आए हैं, इसके लिए basgash.com का बहुत बहुत शुक्रिया। नातिर साहब आदाब, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि आपका जो तख्लीकी प्रोसेस है, और या आप तख्लीकियत की तरफ कैसे आए, पहले आपने शायरी की या पहले अफसाना लिखा आपने, इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, शुरू में तो मुझे मैं ये पेंटिंग करता था, अच्छा उसके पेंसिल से स्केच बनाना बचपन में, ये और अपने दोस्तों की ड्राइंग की कापियां बनाता था। तो मैंने महसूस किया कि मैं वो बेहतर बनाता हूँ, और लाइनें जो लिखी वो बड़े अच्छे तरीके से लगा लेता था। फिर वहां से जब ऐसा था तो फिर मैं इंटे और ये पत्थर पत्थर पकड़ के तो छेनी से उनके वो से मुजस्मा निकालना, तस्वीर बनाना, अच्छा और ये भी वाह, काम मैंने करना शुरू कर दिया। तो लेकिन वो टाइम बहुत लेता था, मतलब मैंने बहुत सारे वो अपने घर में ईंटें वगैरह जमा, उसमें से बीच में से फूल निकाल लिया, कभी कोई किसी ऐसी फूल किसी की तस्वीर निकाल ली। अच्छा ये काम किस जमाने में शुरू हुआ? ये बिल्कुल बचपन में, अच्छा मतलब चौथी पांचवी क्लास में, चौथी में ये अच्छा अच्छा मैंने अभी शुरू हो चुका हाँ जी शुरू कर दिया। क्यों किया मुझे नहीं था। पता, लेकिन ऐसी बात फिर ये था कि मैं किसी दीवार पर बैठा हुआ परिंदा या कोई ऐसे चलते बलते दरख्त, या तो मेरा होता था कि मैं इसको देखूं कि ये कैसे चलता है कैसे उड़ता है। एक दफा का वाकया मैं आपको सुनाता हूं कि हमारे घर में एक टाली का दरख्त था, घर के साथ एक और खाली आता था, वहां एक टाली शीशम का दरख्त था, जी बहुत घना था और भारी था। तो उसमें शीशम के दरख्त पर एक कोयल बैठी थी, जी वो एक शाख से उड़ के दूसरी शाख पे गई। तो मैंने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये ऐसे ही देखा मैं पहली दूसरी की पहली की बात या पहली में दाखिल नहीं हुआ हूं। तो वो मैं एक मैंने भी ऊपर चढ़ के ना, तो वो ऐसे उड़ना जा, तो वो उल्टे सर नीचे, लेकिन कुदरत खुदा के नीचे वो कूड़ा करके वो रूढ़ी पड़ी थी, वो खसोखाशाक वो उड़ के ऊपर गिरा। तो अच्छा फिर मैं हैरान हुआ कि ये पता नहीं क्या किस तरह उड़ जाते हैं। तो इस तरह से तजर्बे करना, और ये बचपन में ही पता नहीं कोई था शामिल, वो अच्छा बच गया, अगर सर जमीन होती तो शायद जख्मी भी हो सकता जख्मी भी हो सकता था। जी लेकिन उसके बाद फिर आगे मैंने ये काम शुरू कर दिया। फिर थोड़ा सा और पड़ा हुआ तो मैंने कहा भाई इसमें तो बड़ा खर्च आता है, और फिर घर में वो कोई ऐसी इजाजत भी नहीं थी कि आप हर वक्त छेनी पकड़ के और हर वक्त वो ये थोड़ी पकड़ के तो वो ठूंठो तो मिल जाते रहो और मार पड़ती थी। तो लेकिन फिर किताबें पढ़ने का शौक हुआ तो मैंने कहा कि ये काम बेहतर है, तो वो किताबें पढ़नी शुरू कर दी और मैं तकलीफी को भूल गया। अच्छा, तो पढ़ते हुए फिर मैंने कहा कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो मैं भी लिख के देखूं। फिर मैं अपने मोहल्ले के लड़कों के खाके लिखने शुरू कर दिए, मजाक किया था मजाक अच्छा और उसके साथ मजाक में ऐसे शायरी भी शुरू कर दी। उस वक्त तो कोई ऐसा वजन वजन का पता नहीं होता था, लेकिन हरकतें ही ऐसी मैंने बचपन से ही शुरू कर दी। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि बचपन से अपने इजहार का जरिया आपने तलाश किया था, मैंने किसी बहाने से पहले पेंटिंग, उसके बाद फिर मुजस्मा साजी और फिर शायरी, यानी शायरी की तरफ आप पहले राग हुए। शायरी की तरफ पहले राजे भी हुआ। तो कौन से जो शायर बुनियादी तौर पे मतलब जो अभी भी आपके साथ हैं, जिनको आप अक्सर पढ़ते हैं, जिनको आपने जज्ब किया है, जिनको लगता है कि ये आपके तख्लीकी अमल में बहुत ज्यादा मुआविन साबित हुए हैं,
वो कौन सा शायर है? वो शायर तो यूं बहुत सारे थे, मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे लिए मामन साबित हुई है किताब, वो आबे हयात है। अच्छा अच्छा, उस किताब ने मुझे ऐसे माहौल और कल्चर में ले गई, वो किताब मैंने कुछ 40 दफा पढ़ी होगी, हाँ और जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे वो किताब एक नया लुत्फ देती है। क्या बात तो उस किताब से मुझे शायरों के बारे में पूरा एक मेरे अंदर आइडियल वो बन गया, बिल्कुल बिल्कुल माहौल आइडियल बन गया, फजा आइडियल बन गई। तो बिल्कुल मैंने कहा कि शायर ऐसे होते हैं तो मतलब ये बड़े अच्छे लोग भी मुझे पसंद आने लगे, शायद मुझे भी वो ऐसी ही जी अभिनय जी करती और इसी तरह का काम जी था, तो जी जी वो मुझे एक तबीयत को रास है इस चीज के लिए इस तरह का। तो वो उसमें जितने शायर थे मेरे लिए, वो खास तौर पर उन दिनों मुझे इंशा बहुत भाया, अच्छा, सैयद इंशा अल्लाह जी इंशा, जी और उसमें शायद मुसफी के साथ उसका मौलवी आजाद साहब ने जिस तरीके से उसको मार्का मार्गाराई करवाई है, तो वो बचपन में एक बंदे को एक हीरो के तौर पर समझ लिया जी जाता है, अरे ये हाँ भाई ये। तो बिल्कुल मेरे लिए वो उन दिनों मुसफी जो था वो विलन के तौर पर सामने आ गया, मौलवी आजाद ने उसको विलन बना के रख दिया था। तो अब वो शायद तो पता चला कि मौलवी आजाद भी कैसे खेलते थे। तो ये किताब मेरे, उसके बाद मिर्जा फरतुल्ला बेग की किताब जो थे उनके मलामीन थे, वो उन्होंने मुझे दिल्ली से इश्क की हद तक अपने अंदर मतलब जागृत कर लिया। बिल्कुल फिर लखनऊ का माहौल जो था वो मतलब वो रजबली सरूर अच्छा सुरू की किताब बाद में पढ़ने से, और रत्ना सरसार की जो किताब थी थानादार, पूरा उसने बहुत ही मुझे वो, क्योंकि बचपन में होता यह है कि आपको रोजी रोटी की परवाह नहीं होती बिल्कुल और ये मुआशी मसाइल का कोई आपको इदराक भी नहीं होता, ना रिश्तेदारियों का इदराक होता है। तो वो जो फसाना आजाद के अंदर की पूरी जो था माहौल कल्चर था, वो उस मसाइल को कुछ अंदाज उसमें भी है कि उसको भी, वो एक तरह से बचपन में अगर उसको पढ़ा जाए उससे मुकम्मल लुत्फ ले सकता था। तो मुझे कई उसके वो खोजी मियां का किरदार जो था, वो हजरत बदीउज़्ज़मान साहब, वो जहां पे किरदार आ जाता था तो वहीं से फिर वो मेरा, बल्कि मैं बीच में टटोल टटोल के खोजी को पढ़ता था कि ये भाई खोजी को है वाह वो। वाह हाँ तो वो इस तरह से वो मैं, मुझे जो है ना इन चीजों ने उस नसर लिख के लिखने पर भी क्या मुझे रागब किया। बात ये आज आसन अदानी की जो थी वो बेमात कैंसू और इस तरीके से ये चीजें बहुत सारा, फिर जैसे जैसे पढ़ते गए, खैरी हुए हाँ वो पढ़ते गए राशिदुल खैरी की किताबें जो थी उनकी खवातीन के मुतल्लिक अफसाने, ये सारी चीजें मतलब आपकी मां साबित बिल्कुल होती जाहिर हैं, है जाहिर है कि और वो इसका एक उसमें पूरी दुनिया है। बिल्कुल सही बात है, एक पूरा कल्चर है। हाँ, और उस दुनिया से मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर कि जो इनको नहीं पढ़ते, नहीं मतलब बात सही बात उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ और पता नहीं वो अदब से कैसे मोहब्बत करते सही हैं। जो अदब आजकल के, बल्कि हमारे यहाँ ये शायरों का अलविया है कि उनको स्वयं अपनी किताब के या अपने शेर के या अपने दो चार दोस्त गिर गए हैं उनके शेर ऐसे सुनने से, कोई पुरानी अदब से कोई लगाव नहीं। किसी चीज से दिलचस्पी और नहीं इससे बढ़कर मजा ये है कि वो फौरन जनाब वो मीत तक मीत के पर जा पहुंचते हैं, बिल्कुल सही सबसे बात बड़ा अलविया ये है, बिल्कुल बगैर पढ़े बगैर कुछ किए। बिल्कुल सही बात नहीं, जाहिर है ये बात बड़ी अच्छी आपने बताई कि आपके तकनीकी जो मुहर्रिकात में से एक सबसे बड़ी चीज जो है वो इस तरह के नसर उभारे हैं, इस तरह की जी किताबें जो क्लासिकल में एक जबान का लुत्फ है और इस तरह की बातें हैं, बयानिया बड़ा खूबसूरत है, बयानिया जबान होता है और माहौल है, माहौल लगा है। आपको ड्रामा दिखा रहे होते हैं। हसन अस्करी ने तो एक जगह लिखा भी है कि उस जैसे उनका बहुत मशहूर मजमून है मुहावरों का मसला, तो उसमें उन्होंने ये लिखा भी है कि भाई उस जबान को पढ़कर हमें मालूम होता है कि किस तरह से पूरी एक तहजीबी वाकये को हम एक छोटे से मुहावरे में मुंतकिल कर सकते हैं, क्या बिल्कुल किया गया है हमारे यहाँ। बिल्कुल तो इसी तरह तो ये जो पूरा इसकी वजह से आपकी जो तख्लीकात है उसको कुव्वत मिली और ये
इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि आपकी जो शायरी है वो बता दे, खुद मुझे ऐसा लगता है आपकी शायरी जो है वो आप उसमें तख्लीकी कुव्वत आपके अफसानों से ज्यादा है, या फिर इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपके अफसाने जो है वो एक खास किस्म के मुआशरे को रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखें, बात यह है कि शायरी में मजमून, शायरी में लफ्जों की नशिस्त बर्खास्त, वो तमाम मामला मेरा अंदरूनी। तो मैं अपनी मर्जी से उसको, मतलब उसकी जबान भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल, वो किसी कायदे कानून की पाबंद नहीं है कि भाई ये माहौल है तो आपने ये जबान इस्तेमाल करनी है। उसके लिए माहौल भी मैंने खुद बनाना है और उसके लिए जबान भी खुद तैयार करनी है। तो इसलिए उसकी जबान सेकल, यानी शायरी की जबान और शायरी की मेजरी मेरी, वो एक और पैराए में है। सेकल जबान इस्तेमाल की गई है, साफ सुथरी जबान इस्तेमाल, उसमें कुछ ज्यादा पंजाबी का मतलब भी नहीं है, और अगर है भी तो वो ऐसे आया है कि जैसे वो दुआ के उसको किया गया है। अफसानों का मामला ये है कि आपको या उर्दू वालों को वो जबान एक अजनबी लगती है और उसको लगता है कि जैसे कुछ बीच में उखड़ापन आ गया है, मुहावरे की गलती हो गई है। ये आप लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में उर्दू को लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं उन पंजाब के अफसानों को वाकई ऐसे ही उर्दू में लिखता जैसे कि नैयर मसूद ने लिखा हो, जैसा कि आपके मतलब मौली आजाद की उर्दू है या तो मेरे को अफसाने गारत हो जाते, क्योंकि वो उसकी इजाजत ही नहीं देते। या अभी मैंने नौलख कोठी जो मेरा नॉवल है उसमें बाज एतराजात इस बहाने, तो वो फिर मैं उसमें बिल्कुल कामयाब ना होगा कि वो उस माहौल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक पंजाबी शख्स कैसे क्लासिक उर्दू मुहावरा बोल सकता है? बिल्कुल सही बात। तो जहां पे मेरा अपना बयानिया है वो तो चलता जाएगा, जहां पे मेरे किरदारों का मतलब बयानिया शुरू हो जाएगा तो वहां पे मैं अगर ये जबान इस्तेमाल करूंगा तो वो एक अजीब, और उनका उनके लहजे में भी वही अखड़पन और वही जो जिस तरह का बोला जाए, अगर पंजाबी में कोई मलायमत बोला जाए अख्तियार करते हो उस तरह से आ जाएगा। बस मैं एक मिसाल देता हूँ आपको जी, एक मेरा फिक्रा मैंने लिखा है शाहबू खलीफा के शक में, खरगोश जैसे ही नीचे बैठा जी तो चीतल, वो कुत्ते का नाम है, बिल्कुल 20 बुमालियां खा गया। अब ये बुमाली जो लफ्ज है ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये पंजाबी का लफ्ज नहीं है, ये एक खास बल्कि एक कस्बे का लफ्ज है, यानी एक ही गांव का लफ्ज है ये। अच्छा, ये पूरे किसी पंजाब में भी लफ्ज नहीं है। क्या बात। अब मेरे सामने बहुत सारे लफ्ज थे, मतलब लुढ़कना, अच्छा मतलब कलाबाजी खा जाना, उलाटियां खा जाना, उलाटियां खा जाना, बिल्कुल पलटनियां खाना, बिल्कुल बहुत सारे लफ्ज मेरे सामने थे। मैंने हर लफ्ज पर गौर किया कि ये लगाना चाहिए या नहीं। तो अब ये था कि कलाबाजी खाना, कलाबाजी खुद जान के खाई जाती है, लुढ़कना ऊपर से नीचे लुढ़का जाता है, पलटनिया खाना ये कोई पहलवान दूसरे को पलट नहीं देता है। बहुत सारे लफ्जों की अपनी मानी अपने पसमंजर होता है। तो मैंने सोचा कि ये जो नीचे बैठा है और वो अचानक हादसाती तौर पर उसके घूम गया है, तो इसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं? फिर वो जो मेरे ही गांव के लोगों का या हम लड़कों का लफ्ज बनाया हुआ था खेलते हुए, मैंने वही लफ्ज रखा। अब 100 दफा कहता जाए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक जुबान में एक लफ्ज जो है, हम हर साथ के तौर पर इस तरह की बात को या तो मुझे कोई बता दे कि उसके लिए मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। तो अगर वह लफ्ज नहीं है तो मैं एक लफ्ज बना रहा हूं या एक लफ्ज मेरा गांव बना रहा है तो मैं उसको क्यों ना बीच में ऐड कर। जुबान इसी तरह, और जाहिर है कि जब तक वो लफ्ज पूरे उस वाकये की नुमाइंदगी सही तौर पर नहीं कर पा रहा तो मैं वो उसके लिए मुझे होना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से उसका कोई कर।